हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, तो जल्दी जल्दी आप लोग कनेक्ट हो जाइए। तो आज है मंगलवार, जैसा कि आप लोगों को पता है, और आज आप लोग पूजा पाठ भी किए होंगे कुछ लोग। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, और जो नहीं जुड़े हैं उनको भी लिंक शेयर करिए ताकि वो भी जल्दी जल्दी से जुड़ सके। और चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा चल रहा है टाइम एंड टेंस, और आज टाइम एंड टेंस का ये पाँचवा डे है, मतलब ये पाँचवा क्लास है। बस मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शुरू से लेकर के अंत तक क्लास में टिके रहिएगा, तो हर चीज़ आप सीख जाएंगे। यदि आप नहीं टिके रहिएगा तो क्या होगा, आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस क्लास को, तो क्या करना है आपको, डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर तक आपको क्लास कर लेना है, तब यह क्लास करने में आपको मजा आएगा, क्योंकि वो पीछे वाला चीज़ आपको हर चीज़ जानना जरूरी है जो चीज़ पीछे बताया गया है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के वो स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में याद करिए, हम लोग फॉर एग्जांपल भी इस पर बनाए थे, ट्रांसलेट कर रहे थे। ठीक है, और हम लोग क्या पढ़े थे याद करिए कि हमारा जो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर क्या था हमारा बताइए, तो सब्जेक्ट था, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5, उसके बाद क्या था, ऑब्जेक्ट, ये ना था, इसी को हमने पढ़ा था, याद करिए। उसके बाद क्या हुआ था, हमने जो एग्जाम्पल बनाया था वो चार नंबर तक बना लिया था, यानी कि चार नंबर तक एग्जाम्पल हो चुका था हमारा। तो आज जो एग्जाम्पल नंबर आपको लिखना है 5, एग्जाम्पल नंबर होगा 5, तो जल्दी से लिखिए आप लोग, लिखिए वह चाय पीती है, बहुत छोटा छोटा सेंटेंस है, नंबर 7, मैं पानी पीता हूँ। देखिए फिर बड़ा बड़ा सेंटेंस भी लेंगे हम लोग, देखिए वह चाय पीती है, ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं। पीना का अंग्रेजी आप लोग को पता है होता है ड्रिंक, क्या होता है ड्रिंक, क्या होता है ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब क्या होता है, पीना, समझिएगा बात को मैं क्या कह रहा हूं, ड्रिंक का मतलब होता है पीना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पीना का मतलब क्या हुआ कि ग्लास में कोई पानी है, उसको आप अगर डायरेक्ट उठा करके पी जाते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रिंक। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके पास ग्लास में कोई ग्लास है, उसके पास ग्लास में क्या, आपके पास वाटर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो वाटर को आप क्या करते हैं, डायरेक्ट पी जाते हैं। तो डायरेक्ट यदि आप पी जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं ड्रिंक, लेकिन अगर थोड़ा सा चूस चूस करके पीते हैं, मतलब चुस्की लेते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ड्रिंक, नहीं बोलेंगे। जैसे कभी भी हम लोग चाय को डायरेक्ट मिला, इसे लीजिए भाई साहब चाय से मिला और डायरेक्ट इसे उठा करके नहीं पी जाते हैं, उसको क्या करते हैं, यानी कि उसको लिए फिर थोड़ा सा ऐसे करते हैं, उसके बाद पीते हैं, समझ रहे हैं। तो वो हुआ ड्रिंक नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम टेक, क्या बोलेंगे, टेक। तो ध्यान दीजिएगा, अगर चाय पीना का अंग्रेजी आपको कोई पूछे, यदि कोई पूछे आपको चाय पीना का अंग्रेजी क्या होता है, बताओ भाई चाय पीना का अंग्रेजी, तो बोलिएगा टेक टी, क्या बोलिएगा, टेक टी, टेक टी का मतलब क्या हुआ, चाय पीना, ठीक है। और यदि बोलेगा कि पानी पीना का अंग्रेजी बताइए, तो पानी पीना का आप बोलेंगे ड्रिंक वाटर, क्या बोलेंगे, ड्रिंक वाटर। कहिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि भाई साहब आप पानी को ऐसे उठाते हो और ऐसे पी जाते हो गड़गड़ा करके, ठीक है, तो वो क्या, वो उसको आप ड्रिंक करते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी पीना, समझ रहे हैं। तो दोनों में अंतर समझे, चाय को लेते हैं तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे, चाय पीना को टेक टी, और ड्रिंक टी इसको बोलेंगे। उसी तरह जब स्नान करते हैं तो टेक बाथ लिखेंगे, मतलब स्नान बेसिन, एक बाल्टी लिए, पानी लिए, इसे उझल लिए, वैसे सब गाँव सब में होता है, समझ रहे, मतलब आपको क्या करना है कि मतलब जैसे होता है जो नियम है उस हिसाब से आपको काम करना, ठीक है। तो फिलहाल देखिए इस दोनों सेंटेंस को हम लोग देखते हैं इसी स्ट्रक्चर के आधार पर, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले इसको, इसको आप नोट कर लीजिए जो अभी लिखे थे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हुआ है, तो यहाँ पर ये यह क्या हुआ, इसका इंग्लिश क्या हुआ आपका, वह का क्या हो गया आपका सी, क्योंकि कोई लड़की है, कोई आपको पता है, तो यहाँ पर सी लिख दिए। उसके बाद देखिए पीना का भी जस्ट मैंने बताया कि चाय जब भी पीते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, टेक, टेक बोलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट उसको नहीं पीते हैं, तो टेक हो जाएगा। और इसमें एस लगा देंगे, एस क्यों लगाएंगे, क
कल ही बताए थे, याद करिए किसके किसके साथ भी फाइव लगाना है, तो ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, या फिर एगो नाम हुआ, एगो नेम, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, भी फाइव, मतलब कोई भी सिंगुलर होगा तो क्या लगाएंगे, भी फाइव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी टेक्स, उसके बाद क्या लिखेंगे, सी टेक्स टी, समझ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सी टेक्स टी, मतलब क्या, वह चाय पीती है, ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं। तो टेक्स क्यों लगाए पता चला ना, क्योंकि चाय पीना को हम लोग टेक बोलेंगे, ड्रिंक नहीं बोलेंगे। अब यहां पर क्या हो जाएगा, आई और पीना का यहां पर क्या लिख देंगे, ड्रिंक, ड्रिंक क्यों, इसमें आप क्यों नहीं लिखे, क्योंकि पानी को ऐसे डायरेक्ट पी जाते, इसलिए क्या लिखेंगे, ड्रिंक। तो आई ड्रिंक, उसके बाद क्या लिखेंगे, पानी का, वाटर। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग नोट करिए। अब थोड़ा सा हम लोग इससे बड़ा सेंटेंस लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस नोट करिए जल्दी से। चलिए अगला सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 7, वह प्रतिदिन, प्रतिदिन, वह प्रतिदिन अपना गृह कार्य, गृह कार्य सुबह के 8 बजे करती है। देखिएगा बहुत इजी है, खाली आपको बड़ा दिख रहा है, वह प्रतिदिन अपना गृह कार्य सुबह के 8 बजे करती है। देखिए बहुत ही, अभी धीरे धीरे मैं आपको सिखा रहा हूँ, बस जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए। मैंने आपको क्या बताया था, याद करिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो उसी पर, यह भी उसी मेथड पर, सबसे पहले देखिए इसमें क्या आपका सब्जेक्ट यह रहा, आप जान रहे हैं कि जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर वह क्या है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि देखिए वह प्रतिदिन अपना गृह कार्य, ठीक है, सुबह के 8 बजे करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि करना एक वर्ब है, क्या कर रहे हैं, तो अपना गृह कार्य, समझ रहे हैं, अपना गृह कार्य, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि क्या करती है, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है अपना गृह कार्य। कैसे पता चला, पता है, क्योंकि वर्ब को हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट लगा करके, तो ऑब्जेक्ट निकलेगा। ये मैंने ट्रिक बताया था आपको, याद करिए ये ट्रिक निकालने का, इसके पिछले वाले वीडियो में देखिएगा, मतलब डे 3 में ये चीज बताए थे आपको, ठीक है। तो व्हाट लगाकर क्वेश्चन करेंगे, क्या करती है, तो अपना गृह कार्य, ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट लिख देंगे, वर्ब लिख देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तब दो गो टाइम है, एगो सुबह के 8 बजे, एगो प्रतिदिन। तो इसका, ये दोनों का क्या नियम है कि पहले छोटा टाइम उसके बाद बड़ा टाइम, तो सुबह के 8 बजे छोटा टाइम है, उसके बाद बड़ा टाइम है प्रतिदिन। तो चलिए हम लोग फटाफट लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे बताइए। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले सी लिख देना है, सी, उसके बाद क्या करेंगे, करना का अंग्रेजी डू होता है, लेकिन यहाँ पर सी आ गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो ईएस लग जाएगा, वो है लास्ट में, तो सी डज। अब ऑब्जेक्ट देखिए, अपना गृह कार्य, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज आपको ध्यान दीजिएगा कि अपना का अंग्रेजी कुछ लोग ऑन लिख देते हैं, कुछ लोग कुछ लिख देते हैं, लेकिन अपना गृह कार्य इसके साथ एक नाउन जुड़ा हुआ है, कभी भी हम ऑन नहीं लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, तब अपना का अंग्रेजी सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस बात को हम थोड़ा यहाँ पर लिखा देते हैं आपको, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। सुबह के 8 बजे हम यहाँ ले लेते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं सुबह के 8 बजे, ताकि इधर हम कुछ टेबल लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, देखिए समझिएगा बात को। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग अपना का अंग्रेजी होता है, जैसे मान लीजिए इधर मैं लिख रहा हूं सब्जेक्ट, इधर अपना, ठीक है। जैसे आई हुआ, आई के लिए अपना का अंग्रेजी हो जाएगा आपका माई, वी के लिए अपना का अंग्रेजी हो जाएगा आपका आवर, उसके बाद यहां पर यू के लिए अपना का अंग्रेजी हो जाएगा योर। इस टेबल को एक बार लिख लीजिएगा, सब अपना का अंग्रेजी है। यहां पर देखिए सी है, तो सी के लिए अपना का अंग्रेजी आएगा, ठीक है। तो आई बी यू, उसके बाद हो जाएगा आपका यहां पर ही के लिए अपना का अंग्रेजी हो जाएगा आपका हीज, सी के लिए अपना का अंग्रेजी हो जाएगा आपका हर, इट के लिए अपना का अंग्रेजी हो जाएगा आपका इट्स, ठीक है। और अगर दे आ रहा है तो अपना का अंग्रेजी हो जाएगा इनके लिए आपका देयर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि कोई नाम आ गया, कोई मेल का नाम आ गया, नेम, नेम, समझ रहे हैं, नेम मेल, एम का मतलब क्या लिखे यहां पर, मेल, मेल मतलब कोई पुरुष, तो इसके लिए अपना का अंग्रेजी हो जाएगा आपका हीज।
उसके बाद मान लीजिए नेम में कोई आपका आती है फीमेल, ऐप का मतलब क्या हुआ फीमेल, मतलब कोई लड़की, तो इसके लिए अपना का अंग्रेजी हो जाएगा आपका हर, समझ रहे हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा अपना का अंग्रेजी हर। अगर आपको यहाँ प्लुरल सब्जेक्ट आता है प्लुरल, प्लुरल के लिए आपको क्या लगाना है देयर, समझ रहे हैं, मतलब जैसे अगर हम कहेंगे कि सलमान खान के लिए अपना का अंग्रेजी, तो उसका भी नाम एक और मेल है तो हीज हो जाएगा, क्योंकि सलमान खान का प्रोनाउन ही तो ही का अपना का अंग्रेजी हीज। उसी तरह से अगर हम कहेंगे कि प्रियंका चोपड़ा ले ले या फिर श्रीदेवी ले ले, किसी का भी कोई भी लड़की हो, उनके लिए अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा हर, चाहे किस कोई भी हो, आपका सिस्टर हो, आपकी मदर हो, सब के लिए अपना का अंग्रेजी क्या होगा हर ही होगा। कोई भी लड़की हो उनके लिए क्या हो जाएगा अपना का अंग्रेजी हर हो जाएगा, और कोई भी लड़का हो उनके लिए अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा हीज, समझ गए। और कोई भी प्लुरल हो, प्लुरल का, प्लुरल के लिए अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा टी एच आई आर देयर, ठीक है। तो इस टेबल को पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, जल्दी से नोट करिए, क्या हो गया बताइए, जल्दी से बताइए, नोट कर लिए आप लोग या नहीं किए हैं जल्दी बताइए, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। तो देखिए एक बार देख लीजिए, आई के लिए अपना का अंग्रेजी माई, वी के लिए आवर, यू के लिए योर, और ही के लिए हीज, सी के लिए हर, ईट के लिए ईट्स, दे के लिए टी एच ई वाई है दे के लिए देयर, और एगो नाम के लिए, नाम एगो होना चाहिए ध्यान दीजिए, एगो नाम होना चाहिए मेल, मेल का मतलब क्या हुआ पुरुष, एम एल ई, एम का मतलब मेल मतलब पुरुष, इनके लिए हीज हो जाएगा। और नेम अगर फीमेल का हो, फीमेल का मतलब महिला, एफ से फीमेल, एगो हो तो उनके लिए हर। अगर प्लुरल हो मतलब दो गो मेल हो या दो गो फीमेल हो, तब क्या लिखेंगे देयर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों सिंगुलर है, क्या है ये दोनों सिंगुलर के लिए यूज होगा, ये नहीं कि प्लुरल में भी लगा दीजिएगा वही हीज, समझ रहे हैं। तो ये चीज आपको समझा दिए अपना का अंग्रेजी क्या होता है। अब यहाँ पर बनाते हैं, चलिए हम लोग अब देखिए यहाँ पर बनाते हैं, क्या सी डज लिख दिया, वर्ब लिख दिया, अब क्या हो जाएगा अपना गृह कार्य का, अपना का अंग्रेजी किसके अनुसार, सी के अनुसार, सी सब्जेक्ट है और सी के लिए देखिए अपना का अंग्रेजी यहाँ पर क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सी डज, उसके बाद हर, और गृह कार्य का अंग्रेजी होता है होमवर्क, क्या होता है होमवर्क, ठीक है। तो हमने क्या लिखा सी डज हर होमवर्क, अगर मैं रहता यहाँ आई रहता तब यहाँ क्या लिखते हैं माई होमवर्क, जैसे मैं अपना काम करता हूँ तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई डज माई वर्क, ठीक है, सॉरी आई डू माई वर्क, क्योंकि आई के साथ डज तो नहीं लगेगा, तो आई डू माई वर्क, ठीक है, मतलब मैं अपना काम करता हूँ। आई के लिए अपना का अंग्रेजी क्या होगा माई हो जाएगा। अगर हम लोग अपना काम करते हैं तब क्या हो जाएगा वी डू आवर वर्क, क्या हो जाएगा वी डू आवर वर्क। अगर तुम लोग अपना काम करते हो तो यू डू योर वर्क, ठीक है, मतलब अपना का अंग्रेजी सबके लिए क्या होगा अलग अलग होगा, समझ रहे हैं। तो ये टेबल आप नोट कर लीजिए, अब क्या हो जाएगा सी डज हर होमवर्क। उसके बाद देखिए एक है प्रतिदिन, एक है सुबह के 8 बजे, ठीक है। तो ये दोनों टाइम में ये चीज आपको ध्यान देना है कि छोटा टाइम को पहले लगाना है। तो छोटा टाइम है सुबह के 8 बजे, तो हम लोग क्या लिख देंगे 8 क्यों लगाते हैं सर, क्योंकि जब भी कोई एग्जैक्ट टाइम दिया होता है, निश्चित समय होता है, तो वहां पर हम 8 लगाते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन में ये चीज आपको हम पढ़ाएंगे, तो 8 हो जाएगा 8 और सुबह का क्या हो जाएगा एम डायरेक्ट, ठीक है, और प्रतिदिन का क्या हो जाएगा एवरीडे। कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा, कल भी हम ये चीज़ पर चर्चा किए थे कि सर 8 AM जो लिखे इसको हम ओ क्लॉक सब नहीं लिख सकते हैं, 8 बजे है तो बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, इतना के बदले में आप इसको अथवा में ये आप लिख सकते हैं 8 उसके बाद 8 ओ क्लॉक उसके बाद इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब इतना के बजाय अगर इतने समय मेरा काम चल रहा है तो दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत है बताइए, नहीं ना। तो इसीलिए हम क्या किए इतना सा ऐसे ही काम चला लिए, ठीक है। तो चलिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे निगेटिव पर। आपको मेन सीखना है पहले, समझ रहे हैं, सीखना है आपको, समझ रहे हैं, मेन चीज़ है हमको सिखाना है आपको, ये नोट कर ही लिए होंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से, देखिए और सीखिएगा तभी जब आप क्या करिएगा अपने से बनाइएगा, जब तक आप अपने से नहीं बनाइएगा तब तक आप नहीं सीख सकते, समझ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं आपको, आप छोड़िए मैं एग्जांपल लेता हूं एक, आपको यदि कोई बाइसिकल चलाने के लिए 1000 बार भी बता दे कि ऐसे बाबू चलाया जाता है, ऐसे ड्राइव करो, ऐसे राइड करो, ऐसे उठाओ, ऐसे ऐसे पलटा दो बाइसिकल को, नहीं ऐसे चक्का घुमाओ, नहीं
तो आपसे तब तक नहीं होगा जब तक क्या करते हैं आप खुद बाय नहीं करते, समझ रहे, मतलब खुद चढ़ करके उस पर राइड नहीं करने लगते हैं आप, ठीक है, तब तक क्या होगा आपसे नहीं चलेगा। आप ये चीज प्रैक्टिकली किए होंगे, तो सेम यहाँ पर भी फॉलो होता है, यदि आप नहीं बनाइएगा जब तक, तब तक क्या होगा आपसे नहीं बनेगा, आप नहीं सीख सकते हैं। हम 1000 सेंटेंस भी बता देंगे, ठीक है, फिर ग्रुप में भी आपको होमवर्क देंगे, समझ रहे। और एक बात मैं कह दूं, एक आवश्यक सूचना, जिस भी स्टूडेंट को फुल कोर्स चाहिए तो कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, बहुत ही कम पैसा में आप ऐप पर जुड़ सकते हैं मेरा, ठीक है। ऐप पर जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पर कॉल करना है 8292931012, ठीक है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि लॉकडाउन के वजह से इधर उधर नहीं पढ़ाई करें, मोबाइल में ही घर में बैठे पढ़ाई करें, इस नंबर पर आप में कॉल करिए, ठीक है, और जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइए, ठीक है। उस पर क्या है, इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स दोनों का तैयारी फुल कराया जाएगा आपको, विथ ऑब्जेक्टिव सजेशन हर चीज दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला है नंबर 8, वह प्रतिदिन सुबह के 7 बजे नाश्ता करती है। अगला है हमारा बिहार के लोग हिंदी बोलते हैं। बिहार के लोग हिंदी बोलते हैं। मेरा दोस्त सुबह में स्नान करता है। अब देखिए तीनों को हम लोग क्या करेंगे, बना लेते हैं, उसके बाद निगेटिव पर फिर चले जाएंगे, फिर आपको और भी सेंटेंस बनाना होगा तो ग्रुप में शेयर कर देंगे, उस पर भी बनाइएगा और उस पर बना बना करके भेजिएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर निगेटिव में भी बनाएंगे, बहुत सारा सेंटेंस बनाएंगे, आप सिर्फ पढ़ते रहिए ना, हर चीज़ आप सीख जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। बस आपको A to Z हर चीज़ को लिखना है, यदि एक भी चीज़ आप छोड़ते तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। चलिए फटाफट हम लोग इसको बना लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, निगेटिव पर फिर चलेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, वह प्रतिदिन सुबह के 8 बजे नाश्ता करती है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए इस चीज़ को कि वह यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा, नाश्ता करना हुआ भाई, ठीक है। तो नाश्ता करेंगे क्या, ऐसे पूरा हमको नाश्ता मिलेगा, एक प्लेट ऐसे उठाएंगे और उसे मुंह में डाल लेंगे, नहीं ना, थोड़ा सा ऐसे करेंगे, ऐसे मिला, ऐसे थोड़ा सा स्वाद लेकर के खाते हैं, नहीं ओ आज थोड़ा नमक कम है, ज़्यादा है, या फिर मिर्ची ज़्यादा है, नहीं थोड़ा सा लिए फिर खाए, चबाए फिर लिए, नहीं, कहने का मतलब है नाश्ता को हम एक ही बार नहीं लेते हैं, तो उसमें भी टेक ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टेक, तो सी हो जाएगा, सी, उसके बाद क्या हो जाएगा, टेक नहीं, टेक्स, उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रेकफास्ट, नाश्ता का अंग्रेजी ब्रेकफास्ट। उसके बाद देखिए प्रतिदिन और सुबह के 7 बजे, तो भी जस्ट इस तरह का सेंटेंस आपको बताए थे, तो सुबह के 7 बजे पहले लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8:07 AM, और प्रतिदिन का क्या हो जाएगा, एवरीडे का अंग्रेजी क्या होता है, प्रतिदिन। मैंने क्या बताया था अभी जस्ट आपको, पहले छोटा टाइम उसके बाद बड़ा टाइम, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 7 AM, ये क्या हुआ, छोटा टाइम, 8:07 AM, उसके बाद एवरीडे मतलब क्या हुआ, बड़ा टाइम। तो जल्दी से लिख लीजिए यहाँ तक आप लोग, चलिए अगला है हमारा बिहार के लोग हिंदी बोलते हैं, यही ना। तो देखिये सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा बिहार के लोग। कुछ बच्चे गलती से क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर खाली बिहार लिख दिए, लोग को छोड़ दिए, नहीं बाबू गलत हो जाए, समझ रहे, आपको क्या करना है, बिहार के लोग तक देखना है, समझ रहे, क्योंकि बच्चे सब आजकल इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, खास करके देखिए अभी तो शादी विवाह का माहौल चल रहा है, तो उसमें तो बिजी खैर है ही, उसके बाद
अभी देखिए कितना चीज बच्चा पे जुल्म कर रहा है, उसको पढ़ने नहीं दे रहा। पहला तो शादी, शादी विवाह बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। दूसरा क्या है कि ऊपर से आईपीएल मैच नहीं, 7:30 बजे स्टार्ट हुआ और पता नहीं 10 बजे जाकर के छोड़ेगा कि 11 बजे छोड़ेगा। बच्चा सब पर कितना जुल्म बताइए। ऊपर से ये सबसे भी अगर मन नहीं भरा तो ऐसे उसको मारो, 1 नंबर को मारो, 2 नंबर को मारो, उसके बाद 3 नंबर को मारो, 4 नंबर को तो जाने से मार दो। नहीं तो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिहार के लोग। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप से जुड़ा हुआ हो दो नाउन तो उल्टा अंग्रेजी बनाते हैं। तो पहले 1 नंबर में पीपल, 2 नंबर में आप, 3 नंबर में बिहार, तो क्या करेंगे बताइए। द पीपल, द पीपल, उसके बाद क्या हो जाएगा आप, उसके बाद हो जाएगा आपका बिहार। तो द पीपल ऑफ बिहार। उसके बाद देखिए, यहाँ तक तो हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ काम क्या हो रहा है, बोलने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्पीक। क्या सर एस भी लगाएंगे यहाँ, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिहार में एगो लोग नहीं है, ये पुलडल हुआ और पुलडल के साथ हम भियोने लगाते हैं। तो स्पीक, उसके बाद क्या बोलते हैं, तो हिंदी, तो हिंदी लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा हिंदी। ठीक है, अब देखिए, मेरा दोस्त सुबह में नाश्ता करता है। ठीक है, मेरा दोस्त सॉरी सुबह में स्नान करता है। मेरा दोस्त क्या करता है, सुबह में स्नान। एक ठो बच्चा रहता है, थोड़ा सा जो है कहने का मतलब है पूजा पाठ करता है, पढ़ाई लिखाई अच्छा से करता है। तो ऐसा ऐसा आपका दोस्त होगा तो सुबह में स्नान करता होगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, मेरा दोस्त, उसके बाद स्नान करना वर्ब है। तो चलिए लिख लेते हैं, मेरा दोस्त का अंग्रेजी जगह माई फ्रेंड। अब मेरा दोस्त का मतलब एगो दोस्त। अगर कहिएगा मेरा दोस्त मतलब एगो दोस्त, ये कैसे होगा, अगर ज़्यादा दोस्त रहेगा तब। अगर ज़्यादा दोस्त होगा एक से तो बोलिएगा मेरे दोस्त लोग। क्या बोलिएगा, मेरे दोस्त लोग। मेरा दोस्त का मतलब ओनली वन फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड। उसके बाद देखिए, स्नान भी करते हैं तो डायरेक्ट नहीं बाल्टी उछल लेते हैं, लोटा से लिए, थोड़ा हाथ पैर नहीं चिकना उकना होते हैं, थोड़ा फेस वाश मारते हैं, तो क्या होता है, तो उसी तरह यहाँ पर करना है। तो माई फ्रेंड क्या हो जाएगा, उसके बाद टेक। ठीक है, टेक्स यहाँ एस लगा देंगे, उसके बाद बात। ठीक है, तो माय फ्रेंड टेक्स बात। उसके बाद क्या हो जाएगा, सुबह में का क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। ठीक है, इन द मॉर्निंग। देखिए तो एफर्मेटिव सेंटेंस हमारा हो गया, समझिए। कहिएगा 10 सेंटेंस बताएं सर, और आप बना सकते हैं अपने से। ठीक है, आप चाहें तो 20 सेंटेंस 25 सेंटेंस बनाइए, जहां दिक्कत होता है आप मुझे पूछिए, ग्रुप में मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी चलते हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पर। तो यहां तक जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए अब मैं मिटा रहा हूं इसको। पढ़ने पे ध्यान दीजिए बाबू, समझ रहे हैं, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। यदि आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर क्या होगा, आप समझ ही रहे हैं ना क्या। इसलिए क्या करना है, पबजी और आईपीएल मैच और शादी विवाह, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना है अभी, नहीं समझे, क्योंकि ये तीनों चीज़ जब आपके ऊपर लग जाएगा ना तो फिर पढ़ाई तो होगा ही नहीं, समझिए, समझ रहे हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, पढ़ाई पर ध्यान देना। इसी के साथ चलिए, हमने आपको क्या बताया था, याद करिए कि एसर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा आपका हो गया, एफर्मेटिव, क्या हो गया एफर्मेटिव, और दूसरा क्या होता है आपका निगेटिव। यही ना बताए थे आपको कि एसर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। तो यहाँ पर चलिए हम क्या करते हैं, अब दूसरे नंबर को लिखते हैं निगेटिव को, क्योंकि अफर्मेटिव तो हम लोग पढ़ लिए हैं। अब क्या लिखेंगे, देखिए कुछ लोग डायरेक्ट लिख देते हैं अफर्मेटिव निगेटिव, लेकिन ये समझ लीजिए असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। तो ये चीज़ हम आपको पहले ही बता दिए थे कल वाले क्लास में। ठीक है, जो कल वाला क्लास नहीं किए तो उनको देख लीजिएगा, वीडियो अवेलेबल है। तो अब हम दूसरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नंबर 2 में यहाँ पर आपको लिखना है निगेटिव सेंटेंस। क्या लिखना है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग नोट करिए इसको, फटाफट नोट करिए निगेटिव सेंटेंस को, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए हर एक चीज़ आपको लिखना, यदि आप एक भी चीज़ को लिख छोड़ते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करना है, आपको हर चीज़ को लिखना है, समझ रहे हैं। अगर आप एक भी चीज़ छोड़ते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब निगेटिव सेंटेंस।
अब निगेटिव सेंटेंस क्या होता है पता आपको, जिसमें कि नकारात्मक का बोध हो। नकारात्मक का मतलब क्या हुआ, जिसमें नहीं लगा हुआ रहता है, समझ रहे। मतलब अफर्मेटिव का जस्ट उल्टा, जिसमें क्या होता है नहीं लगा हुआ रहता है। जैसे आप बोलते हैं कि मतलब मैं पढ़ता हूँ, अगर आप उसको निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो मैं नहीं पढ़ता हूँ। कहने का मतलब है किसी भी चीज़ को निगेटिव, निगेटिविटी करना, निगेटिव सेंस में लेना है, हमारा निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और इसमें क्या लगा रहता है, नहीं लगा रहता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या लगा रहेगा, नहीं लगा रहेगा, समझ रहे, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या लगा रहेगा, नहीं। इसका अगर हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। मतलब वैसा वाक्य जो नकारात्मक भाव उत्पन्न कर रहा है, जिसमें नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या था, याद करिए, सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, यही था, यही हम लोग पढ़े थे अगर स्ट्रक्चर पे पीछे तो, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो चीज है कि अब हमको लगाना है इसके साथ एक्जिलरी वर्ब डू या डज, क्या लगाना है, डू या डज लगाना है, समझ रहे हैं, डू या डज। तो आपको बता दें कि जिसके जिसके डू या डज अगर हम मेन बात करें इसमें, तो ये आपका वी वन के फॉर्म में, ये वी फाइव के फॉर्म में, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर तो एक जरूरी वर्ब के रूप में काम कर रहा था, जिसके जिसके साथ आप वी फाइव लगाते थे, जिससे ही हुआ आपका, सी हुआ आपका, ईट हुआ आपका, या फिर एगो नाम होता था, या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट होता था, उसके साथ क्या लगाते थे, वी फाइव लगाते थे, उसी के साथ हम डज लगाएंगे। और जिसके साथ हम लगाते थे वी वन, जैसे आपका हो गया आई, वी हो गया, यू हो गया, या मान लीजिए दो दे हो गया आपका, या मान लीजिए आपका प्लुरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ क्या लगाते थे वी वन, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे, समझ रहे हैं। और नॉट तो लगेगा ही, नेगेटिव है तो, ठीक है। तो इस चीज को समझ लीजिए आप लोग। तो चलिए फटाफट हम लोग अब लिखते हैं जल्दी से। पहले रूल नंबर, जैसे उसमें भी लिखे थे रूल, तो उसी तरह से इसमें भी क्या लिखना है हमको, रूल। तो जल्दी से आप लिख लीजिए रूल नंबर वन, क्या लिखना है, रूल नंबर वन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन कोमो सेकेंड पर्सन कोमो थर्ड पर्सन प्लुरल, थर्ड पर्सन प्लुरल, या एनी प्लुरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डोंट, जिसको शॉर्टकट में आप कहते हैं डोंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार हम इसको आपको बता देते हैं, देखिए एक बार समझ लीजिए यहां पर बात। फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लुरल, समझ रहे हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, उसके बाद एनी प्लुरल सब्जेक्ट, प्लुरल सब्जेक्ट समझ रहे हैं, एक से ज्यादा, एक हुआ तो सिंगुलर हुआ, एक से ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्लुरल। प्लुरल का मतलब क्या हुआ, मोर देन वन, और ओनली वन होगा तो क्या होगा, सिंगुलर। तो फिर टेबल के हिसाब से लिख लेते हैं, जैसे कल आपको बताया था, ताकि एक बार इस तरह से आप लिख लीजिएगा तो आपका बच्चा भी कॉपी देखेगा तो समझ लेगा, नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, जो बच्चों देखेगा समझ लेगा। तो लिखना है हमको आई वी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, देखिए फर्स्ट पर्सन में आई वी होता है, उसके बाद सेकेंड पर्सन में क्या होता है आपका यू, उसके बाद थर्ड पर्सन प्लुरल में क्या होता है दे, या मान लीजिए आप दो गो नाम लेते हैं राम एंड श्याम, या आप लिख देते हैं एनी प्लुरल सब्जेक्ट। एनी प्लुरल सब्जेक्ट क्या हुआ सर, तो एनी प्लुरल सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि कोई भी प्लुरल सब्जेक्ट, जैसे बच्चे हो गया, चार को बच्चा तो प्लुरल हो गया, लड़के हो गया प्लुरल हो गया, बिहार के लोग हो गया प्लुरल हो गया, मतलब एनी प्लुरल सब्जेक्ट। तो सब के साथ क्या लगाएंगे सर, तो ध्यान दीजिए सब के साथ आपको जो लगाना है वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिए क्या लगाना है यहाँ पर, इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो ऊपर मैंने लिखा है, क्या लिखा है कि डू नॉट या फिर डोंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिख लीजिए डू नॉट या फिर आपका डोंट, ठीक है। ये ऑब्लिक का मतलब हुआ या, डू नॉट लगाइए या शॉर्टकट में डोंट लगाइए, दोनों में कोई चलेगा। तो देखिए मान लीजिए ये चीज आपको रूल समझ में ना आया, क्या हाँ नहीं क्या लिखे, हाँ लिखे हैं फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, इतना सा ये तो दिख रहा है कि आई वी यू दे या दो गो नाम हुआ या एनी प्लुरल सब्जेक्ट, इसके साथ ये लगेगा, समझ रहे। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है, बस यही समझ लीजिए, हो गया काम। इसको नहीं समझे तो इसको समझे ना, और एक बात बता देते हैं, अगर आप मेरे पास नहीं समझे
तो थोड़ा और कहीं समझने में दिक्कत वाली बात है, समझ रहे, क्योंकि हम हर चीज को तोड़ तोड़ के लिखा देते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट टीचर सब देखिएगा स्ट्रक्चर लिख दिए बाबू साहब निगेटिव सेंटेंस, समझ रहे, लेकिन हम इस चीज को पूरा तोड़ देते हैं ताकि बच्चे को पूरा क्लियरली समझ में आ जाए। ये चीज आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये इस तरह से लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन हम लोग इस तरह से इसलिए लिखाते हैं कि जो कमजोर बच्चे हैं वो भी समझ रहे। जल्दी से नोट करिए इसको, चलिए। तो आप लोग लिख लिए होंगे, उम्मीद है लिख लिए होंगे। देखिए अभी तक बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो आपको क्या करना ये पता ही है, ठीक है। तो मुझे कहना ना पड़े। और एक बात और मैं कह दूं कि जो मेरे अच्छे स्टूडेंट है, प्रिय स्टूडेंट है, थोड़ा सा चाहते हैं कुंदन सर के लिए थोड़ा सा काम करें, तो प्लीज़ आपके पास जितना भी ग्रुप है सब में शेयर कर दिए ताकि और भी बच्चे को फ़ायदा मिले और भी बच्चे पढ़ सके, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा मेरे लिए करते हैं तो बस इतना सा कर दीजिएगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं। खैर जो हमको चाहते हैं वो तो करते हैं, जो नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप पढ़िए, ठीक है। और जो नए हैं चैनल पर उनसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल से आप जुड़ जाइए अगर आपको पढ़ना है तो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर टू पर चलते हैं हम लोग, रूल नंबर टू, ठीक है। रूल नंबर टू, ये था फर्स्ट रूल नंबर, ठीक है, ये था रूल नंबर फर्स्ट। अब चलिए रूल नंबर टू पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो डू नॉट किसके साथ लगाना, ये हम लोग को पता चल गया है। अब हम लोग लिखेंगे आगे थोड़ा सा इसके आगे, ठीक है। तो लिखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डजंट का यूज करते हैं, देखिए हमने क्या लिखा यहां पर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि थर्ड पर्सन सिंगुलर या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपको ब्रदर्स पता है, मैंने बताया था टेबल में, याद करिए कि जो थर्ड पर्सन प्लुरल है उसमें आपका क्या क्या होता है, याद करिए। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो आपको बताए थे कि ही होता है, सी होता है, या इट होता है, समझ रहे हैं, ये सब चीज़। या मान लीजिए एगो नाम आ गया आपका, जैसे हमने लिखा राम, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, ऐसा कोई जरूरी ना कि यहाँ पर राम ही लिख सकते, मोहन सोहन कुछ भी लिख सकते हैं, ये वो नाम, समझ रहे हैं, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। आप अपना नाम भी यहां पर लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ही सी इट या ए गो नाम या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आपका नाम हुआ तो सिंगुलर हुआ, जैसे आपका कुछ भी नाम हो, सोहन मोहन रोहन क्या कुछ भी हो, मोती क्या, तो जो भी हो, समझ रहे हैं, तो वह क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, समझ रहे हैं। तो ये सब के साथ यहां पर क्या लिखे हैं कि यहां पर देखिए ध्यान दीजिए, के साथ डज नॉट या डजंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर चलिए इस तरह से टेबल बना के लिख देते हैं ताकि आप बच्चों देखिए आपका कॉपी तो क्या करे, समझ ले, बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं हो, नहीं पूछे कि क्या लिखे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस डज नॉट, या आप शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं इसको, डजंट, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए ब्रदर्स फटाफट।
देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लाइव छोड़ देते हैं, तो वो अपने लाइफ से खिलवाड़ करते हैं, इतना जान लीजिए। क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, मैं मेहनत भले ही कर रहा हूँ लेकिन आपको एग्ज़ाम देना है, इसीलिए आपको टिके रहना है। और आपको पता है कि मेरे चैनल पर जो बच्चे पढ़ें या ऑफलाइन में पढ़ें तो 95, 94, 93, 92 बहुत सारे बच्चे मार्क्स लाए, ठीक है, आप भी ला सकते हैं, बस आपको मेहनत करना है, समझ रहे हैं। और जब आप पूरा हर चैप्टर का क्लास मेरे से आप कर लीजिएगा तो आप अगर कितनों कमज़ोर से कमज़ोर हैं 80 प्लस तो आप डिफिनिट लाइएगा, समझ रहे हैं, 81, 2, 3, 4, 5, 6। और ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ 80 ही लाइएगा, 90 प्लस ला सकते हैं, बस आप अपने अंदर सिर्फ बना लीजिएगा कि मुझे इतना करना है, करना है। बाकी मैं आपके साथ हूँ, हर चीज़ आपको मैं दूंगा, सजेशन भी दूंगा, हर चीज़ मैं देता ही हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। और अच्छे मार्क्स लाते हैं हर साल स्टूडेंट, आप भी लाएंगे, बस मेहनत करिए, ठीक है। और मैं बस यही कहूँगा कि जिनको ऐप पर क्लास करना है तो वो इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, 2929310012, ठीक है। जिनको भी ऐप पर क्लास लेना है तो जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जितना लेट करिएगा आप ही को प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे थोड़ा सा पैसा के लिए अपना लाइफ बर्बाद कर लेते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग भी मेहनत करते हैं, काफ़ी अभी बहुत सारे सामान मंगाना पड़ता है, अभी लाइव जो होते हैं इनके लिए बहुत सारा चीज़ चाहिए, आप लोग को पता है, इसे डायरेक्ट लाइव नहीं हो पाते हैं, ठीक है, वाईफाई चाहिए, ये वो सब का पता है कितना बहुत ज़्यादा खर्च पड़ जाता है, और हम लोग कोई हाई फैमिली से नहीं है, समझ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, इसलिए तो नहीं तो उतना रहते तब तो फिर ऐसे फ्री में ही पढ़ाते हैं बच्चे को पूरा, और ऐसे भी यूट्यूब पर पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है आप लोगों को। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे, इसके आगे रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, इस सेंटेंस का मतलब नेगेटिव सेंटेंस ऊपर में लिखा हुआ है, बार बार नेगेटिव सेंटेंस लिखना जरूरी नहीं है। इस सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ V1 का यूज करते हैं, V5 का नहीं। कहने का मतलब यह है ब्रदर्स कि हम लोग जो V5 का यूज कर रहे थे वो सिर्फ एफर्मेटिव तक ही रहेगा, नेगेटिव में V5 का यूज आपको नहीं करना है। इस सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ V1 का यूज करते हैं, V5 का नहीं, मतलब V5 का यूज अब आपको करना ही नहीं, भूल जाना है V5, फॉरगेट, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ V1 ही लगाना है, किसमें, नेगेटिव में, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को अब लिख लेते हैं इसको स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो ये आप लिख लिए होंगे। अब चलिए थोड़ा सा मैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, जिससे हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे इसको, ठीक है। स्ट्रक्चर में लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए अभी अगर आप मेहनत करते हैं NDA, एयरफोर्स, नेवी, सब आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट, S का मतलब सब्जेक्ट, डायरेक्ट में लिख दिया हूँ S, S का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में लिख दिया हूँ। उसके बाद डू या डज, उसके बाद प्लस नॉट, मतलब ये दोनों में डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, जस्ट भी बताएं, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, और सब के साथ क्या लगाना है, V1 ही लगाना है, और प्लस आपको ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। कहिएगा थोड़ा सा सर और शॉर्ट करिए ना स्ट्रक्चर को, थोड़ा सा सर प्लीज। तो चलिए कर देते हैं, आप लोग का जब रिक्वेस्ट है तो, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, सब्जेक्ट लिखेंगे और डू या डज के लिए हम लिख देंगे डोंट या डजंट, मतलब इसी के साथ हम क्या करेंगे, नोट को साट देंगे, तो डोंट या फिर हो जाएगा आपका डजंट, समझ रहे हैं। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट, उसके बाद हम लिख देंगे V1, उसके बाद क्या लिख देंगे ऑब्जेक्ट। तो दोनों में ब्रदर्स जो आपको अच्छा लगे उनको यूज करिए, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जो आपको अच्छा लगे वो यूज करिए। जल्दी से स्ट्रक्चर लिखिए, अब सेंटेंस बनाएंगे नेगेटिव पर हम लोग।
तो ध्यान दीजिए यहां पर क्या हुआ हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ सब्जेक्ट सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस डू या डज, उसके बाद क्या हो गया नोट, उसके बाद वी वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट प्लस डोंट या फिर डजंट, इसको शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं, उसके बाद वी वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये ध्यान दीजिएगा अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर गलतियाँ ये करते हैं कि निगेटिव में भी वी फाइव का यूज करने लगते हैं, तो आपको गलती से भी नहीं करना है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो वी फाइव का यूज करना है वो कहाँ तक करना है, सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव तक ही करना है, निगेटिव में जाके वी फाइव का यूज आपको नहीं करना है, ये चीज़ मैंने बताया आपको, ठीक है। तो उसी चीज़ को आपको फॉलो करना है, निगेटिव में क्या करना है वी फाइव का यूज नहीं करना है, ओनली फॉर ओनली क्या करना है वी वन का ही यूज करना है, ठीक है। तो चलिए हम आप पहले लिख लीजिए इस स्ट्रक्चर को, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इस पर कुछ सेंटेंस बना लेते हैं फटाफट, तो जल्दी से नोट करिए इस पर। तो चलिए सेंटेंस है हमारा जिसमें नहीं लगा रहेगा, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले सब्जेक्ट हुआ, ये हुआ तो ही लिख दिए। अब देखिए स्ट्रक्चर कह रहा है सब्जेक्ट ऊपर या नीचे कोई भी लगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, तो यहां पर अभी जस्ट हमने सीखा है रूल नंबर टू में कि ही के साथ डज नोट लगेगा, क्या लगेगा डज नोट, तो ही के साथ क्या लगा देंगे डज। कैसे लगाए अभी जस्ट आपको रूल में हम पढ़ाए कि क्या हो जाएगा, डू या डज में एगो लगाना है, क्या लगा दिया डज, ही के साथ डज लगे क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके बाद आगे नोट लगाना है तो नोट लगा देंगे। स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर, उसके बाद वी वन क्या है वर्ब क्या है, तो जो काम हो रहा है वही वर्ब है, तो यहाँ पर क्या है खेलना वर्ब हुआ हमारा, तो खेलना क्या हो गया यहाँ पर लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे यहाँ पर प्ले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ही डज नॉट प्ले। अब देखिए क्रिकेट का अंग्रेजी लिख देंगे, ऑब्जेक्ट है तो क्रिकेट लिख दिए हम, ठीक है। आपका मन होगा कि नहीं सर इसको थोड़ा शॉर्ट करिए, इस स्ट्रक्चर पर भी काम करिए, तो इस स्ट्रक्चर पर भी कर सकते हैं आप, यहाँ लिख सकते हैं ही डजंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ही डजंट, मतलब इसको क्या किया एक साथ हम शॉर्ट दिए तो ही डजंट हो गया, उसके बाद क्या हो गया यहाँ पर आपका प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दिए ही डजंट प्ले, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर क्रिकेट, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में, समझ रहे हैं बिल्कुल ही शॉर्टकट में यहाँ पर काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखिए जल्दी से, उसके बाद हम लोग और भी अभी अभी बनाएंगे, ठीक है, इस पर सेंटेंस। तो चलिए और कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं। चलिए अगला है, मेरी मम्मी खाना नहीं बनाती है, ठीक है, मेरी मम्मी खाना नहीं बनाती है। अगला है ये नंबर जो भी हो, ठीक है, अभी जस्ट मैंने एक ही सेंटेंस लिखा तो दो नंबर ये समझ लीजिए और तीन नंबर, ठीक है। उसके बाद लिखिए मेरी मम्मी खाना नहीं बनाती, वह चाय नहीं पीती है, तो बहुत ही सिंपल है, आप बना सकते हैं इसको इजीली। कैसे बनाएंगे सर, तो बिल्कुल ही मेरी मम्मी खाना नहीं बनाती तो क्या हो जाएगा माई मदर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा माई मदर मेरी मम्मी, हर किसी को एक ही गो मम्मी होती, जब एक गो माँ है तो क्या करेंगे डू या डज, तो डज मैंने क्या लिखा है, तो सिंगुलर एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाएंगे, मतलब मम्मी हुआ मतलब एक गो हुआ ओनली वन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डज लग जाएगा, तो डज तो माई मदर डज, उसके बाद नॉट, ठीक है, डज नॉट। और बनाना का अंग्रेजी होता है कुक, जब भी भोजन बनाने का बात हो तो कुक, ये हो गया हमारा वी वन, कुक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि सब के साथ क्या लगाना है हमको वी वन ही लगाना है, माई मदर डज नॉट कुक, और भोजन का क्या हो जाएगा फूड, तो लिख दिए यहाँ पर हम क्या लिख दिए माई मदर डज नॉट कुक फूड, ठीक है। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप भी बना सकते हैं, और जहाँ भी दिक्कत हो आप मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वह चाय नहीं पीती है तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा यहाँ पर सी, उसके बाद सी के साथ क्या डू या डज, अभी जस्ट हम लोग पढ़े ही सी ईट या एगो नाम के साथ डज लगाएंगे, ठीक है, तो सी के साथ क्या लगेगा डज, सी डज नॉट।
अब देखिए चाय पीना का अंग्रेजी अभी पीछे जस्ट बताया आपको कि चाय को ऐसे ड्रिंक टी नहीं लिख सकते, उसको क्या लिखेंगे टेक टी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा पीते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी डज नॉट, उसके बाद टेक, उसके बाद पीना का चाय का क्या हो जाएगा टी। सर टैक्स उस बार लिखे थे, इस बार टेक लिखे, क्योंकि सब के साथ इस बार भी वन ही लगाना है निगेटिव में, तो सी डज नॉट टेक टी, ठीक है। तो जल्दी से लिख लीजिए इसको। हाँ तो जल्दी से लिख लीजिए। चलिए तो और भी बना सकते हैं इस पर सेंटेंस आप। तुम बहुत तेज नहीं दौड़ते हो, तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा यहां पर आप लिख सकते हैं तुम का यू, उसके बाद यू के साथ डू लगेगा, डू या डज में डू लगेगा, यू डू नॉट। दौड़ना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा रन, रन्स नहीं लिखना है कभी भी रन, और बहुत तेज का क्या हो जाएगा वेरी फास्ट, ठीक है। तेज का इंटेलिजेंट नहीं लिखिएगा यहाँ पर, तेज का मतलब बहुत फास्ट, समझ रहे वेरी फास्ट। तो यू डू नॉट रन वेरी फास्ट, हमने क्या लिखा यू डू नॉट रन वेरी फास्ट, तुम बहुत तेज नहीं दौड़ते हो, ठीक है। तो आज इतना ही रहेंगे हम लोग, ठीक है, और नेक्स्ट डे इससे बड़ा बड़ा और भी सेंटेंस बनाएंगे। आज तो थोड़ा छोटा छोटा बनाए, और इसके बाद क्या करेंगे निगेटिव में भी, यहाँ चार नंबर तक एग्जाम्पल हुआ आज, ठीक है, ये तीन नंबर था नीचे, तो चार नंबर तक आज एग्जाम्पल हुआ। अभी कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे इससे बड़ा बड़ा अगले दिन, ठीक है, और फिर इंट्रोगेटिव पर चलेंगे। अभी बहुत सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है, यहाँ तक आप लोग पढ़ करके पूरा रेडी रखिए, और जहाँ भी दिक्कत हो हमको पूछिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय टू ऑल। आप लोग हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू।